अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्त को लाया सीगा नूरुल अमीन गिल कोल ते नूरुल इस्लाम गिल कोल ते असी जरा अज जनाब गपशप लावांगे। यारां दोस्तां नूं भी टाइम देना चाहीदा वा, तैनूं पता जदों बंदा बाहरों आंदा प्रदेश चों ते यारां दोस्तां नूं भी टाइम दिंदा की करां। यारां दोस्तां नूं बैठना चाहीदा, यार दोस्त जिहड़े आ ना उह दोस्ती दा इक जिहड़ा ना की हुंदे आ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज शहजाद भाई मेरे पास आए हैं, मेरे स्टोर पर आए हैं। ये स्टोर है इनका, आज आपको एक ऐसी, ये इनके भाई हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या हाल है जी? ठीक है, क्या नाम है आपका जी? जैन भाई। जैन भाई हैं जी, बताएं जी। जी मैं आज आपको एक ऐसी बंदे की स्टोरी जो बिल्कुल फिजिकली ओरिजिनल एक नंबर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये भाई हमारे पास छोटे से भाई हैं, छोटे सा बेटा है जी। मेहनत करता है, दो तीन साल से ज़्यादा, 4 साल से यहाँ पे रेडी लगा रहे हैं। पहले वहाँ था, यहाँ अब ये लगा हुआ है। आपको इसके बारे में बताने का मकसद ये है कि सुबह से लेकर शाम तक ये यहाँ पे रेडी लगाता है, और ये मकई और ये मूंगफली और ये सारा दिन आग के सामने, और क्या ये इतनी मेहनत करता है सुबह से लेकर शाम तक। यहाँ पे भाई रेट बताएं भाई। ये 300 रुपए पाव, ये 180 रुपए पाव, ये भी 300, ये 170, ये 160। तो इसके बारे में ये मैं बता रहा था कि गर्मियों में इतनी गर्मी पड़ती है और ये आग जल रही होती है, इसके ऊपर खड़ा होता है, और यहाँ पे ये अपनी मेहनत करता है, और मेहनत करके सुबह से लेकर शाम तक ये रोजी कमाता है, और उसके बाद शाम को ये अपनी रेडी ये सारा कुछ सेटअप क्लोज करके घर चला जाता है। और ये बहुत छोटा सा है, हमें इस छोटे बच्चे से सीखना चाहिए कि हमें हलाल रोजी कमानी चाहिए, हमें हराम नहीं कमाना चाहिए, हलाल ही होना चाहिए। बड़े से बड़ा आदमी हो या छोटे से छोटा आदमी हो, लेकिन सिर्फ हलाल रोजी होनी चाहिए। और ये सुबह से लेकर शाम तक यहाँ धूप में, गर्मी में और आग के नजदीक होकर ये अपनी कमाई करता है और पैसे कमाता है। जी बेटा जी, बताओ। अच्छा, नाम क्या आपका? राजी खान। राजी खान नाम है। आप कहाँ के हो? एड्रेस जो है, नहीं परमानेंट एड्रेस बताओ। आप पीछे से पिशावर के? पिशावर के हो। अच्छा। और यहाँ पे आपकी पूरी फैमिली रहती है? पूरी फैमिली। मेरा ख्याल है आपकी तो पूरी फैमिली ही यही काम करती है, इसी तरह है ना? वो सुबह से लेकर शाम तक रेडी लगाते हैं, ये पूरी की पूरी फैमिली, ये 4-5 भाई है यही काम करते हैं, यही काम करते हैं, और ये मेहनत कश लोग हैं। सही है। अच्छा, आप कितने भाई हैं? 5। अच्छा। और आपके अब्बू क्या करते हैं? वो पैरा देते हैं। वो रात को एज अ सिक्योरिटी गार्ड जो बाजार में शॉप्स हैं उन पे काम करते हैं। सही। सिक्योरिटी, और इनके बड़े भाई जो हैं वो भी वही काम करते हैं। सही। और ये देखिए मेन रोड पे रेडी लगाई हुई है इसने, माशाल्लाह। ये इसका वो तवाजन के लिए इसने रखा हुआ ये है, तोलता है इसमें रखा हुआ है, और ये छोटा सा सेटअप इसमें लगाया हुआ है अपना ला रिस्क, और ये चोरी नहीं करता। सही बात है। ये किसी को झूठ नहीं बोलता, डाका नहीं मारता, किसी का हक नहीं खाता, ये डाका नहीं डालता। सही बात। ये अपना खड़ा होके मेहनत करता है और कमाता है, और जाकर पैसे किसको जाकर देते हो? अब्बू को। अब्बू को, ये देखो ना, ये जितने भी पैसे कमाता है जाके अपने अब्बू को, भाई को और अपनी माँ को देता है। और हमें इस बच्चे से सीखना चाहिए। सही बात। कि ये मेहनत कर रहा है और हलाल रोजी कमा रहा है, बिल्कुल कोई दो नंबर ही नहीं है। सही बात। ठीक है, आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है आपकी? 12-13 साल। 12-13 साल का है, देख ले 2-3 साल से तो लगा हुआ है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आपको ये भी बताना था कि शहजाद खुर्रम साहब का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू होने चाहिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारी ये वीडियो को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।